नमस्कार स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ देखो, क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब देन शो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले एफ एक्स आपको दे रखा है क्या, मॉड एक्स क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इस मॉडुलस फंक्शन को ओपन करेंगे। ठीक है, अभी ये पूरे का पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा मैं क्या मतलब है। पहले यहां पे इसको खाली इसको समझो कि मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन करा जाता है। तो मॉडुलस फंक्शन मतलब मॉड एक्स कैसे ओपन करते हैं। मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है कि मॉड एक्स या तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कब देगा? जब कभी भी आप x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रखोगे। जब कभी भी इसमें आप x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आया इसका एक, क्लियर है। अच्छा, इसी का एक रिजल्ट देखो, इसी का एक रिजल्ट माइनस x आएगा। इसी का एक रिजल्ट माइनस x आएगा। कब आएगा? जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। बताओ x की वैल्यू जीरो से छोटी मतलब ये जो x है नेगेटिव हो जाएगा, है ना। x नेगेटिव हो गया और भाई मॉडुलस तो क्या कहता है, मॉडुलस कहता है मैं कभी भी नेगेटिव होऊंगा ही नहीं। तो एक माइनस साइन मैंने इशू इसलिए करा दिया है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू और ये नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू इनटू नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये देखो मॉडुलस की डेफिनेशन होल्ड हो रही है ना, यहां पे भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और इस वाले पार्ट पे भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, जो कि मॉडुलस की डेफिनेशन यही कहती है कि x जो भी हो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो x नेगेटिव है तो भी टोटल रिजल्ट तो पॉजिटिव आ रहा है और x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हुआ क्या, इससे फायदा ये हुआ कि मॉड x ओपन हो गया। देखो यहां पे भी नहीं मॉड है ना ही यहां पे मॉड है, तो मॉड को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम मेन फंक्शन में। फंक्शन था हमारे पास fx equals to mod x cube। तो कैसे इसकी दो डेफिनेशन बनाते हैं। तो मॉड x cube का रिजल्ट स्टूडेंट्स या तो प्लस एक्स क्यूब आएगा। कब आएगा प्लस, मतलब ये पॉजिटिव कब रहेगा? जब यार एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी तभी तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और यही रिजल्ट मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ सकता है। कब? जब ये एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, ये एक्स नेगेटिव होगा और ये माइनस साइन उसको पॉजिटिव कर देगा। तो यही डेफिनेशन ये निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया, ओके। अब हमने निकालना क्या, देखो बोल रहा है एफ डबल डैश एग्जिस्ट। देखो एफ एक्स तो मैंने बना लिया है ना, एफ एक्स मैंने विदाउट मॉडुलस साइन बना लिया है, बिना मॉडुलस के एफ एक्स की दो डेफिनेशन निकल के आ रही है। हमसे कह रहा है एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब एफ डबल डैश एक्स करोगे ना जब आप, इसका आंसर आना चाहिए। आना चाहिए मतलब कुछ भी आंसर आ जाए, लेकिन एक इमेजिनरी आंसर नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं आना चाहिए। देखो एक तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा इसका आंसर आ जाता है, डबल डैश का आंसर अगर ऐसा आ जाता है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। और एक चीज और नहीं आनी चाहिए, क्या? एनी नंबर अपॉन जीरो, क्योंकि ये भी तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड है ना। तो ये दोनों आंसर नहीं आने चाहिए। कब? जब इसका डबल डैश एक्स निकालेंगे तब ये दोनों आंसर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो हम बोल देंगे एफ डबल डैश क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। देखते हैं कि क्या आ रहा है। सिंगल डिफ्रेंशिएशन करते हैं पहले, एफ डैश एक्स मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसका आंसर ये है। तो इसके फिर से दो आंसर क्या क्या आएंगे, इसका क्या आ जाएगा बताओ, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। कब आएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, डिफरेंशिएशन हो गया। हाँ इसका, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, माइनस का 3x स्क्वायर। कब? जब x की वैल्यू जीरो से छोटी। मतलब देखो डबल डैश के आंसर तो आ रहे हैं, ठीक है, अरे वैल्यू आ रही ना, x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू इसमें डबल, देखो सिंगल डैश में x की वैल्यू कुछ भी रखो तो डिफाइन तो आ रहा है, लेकिन कह रहा है क्या डबल डैश करने पे भी डिफाइंड आ रहा है, जो कि हमने प्रूफ करना है। चलो डबल डैश x को भी प्रूफ कर लेते हैं कि भैया डिफाइंड आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बताओ, 6x आ जाएगा। कब आएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रखोगे, और आंसर क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा। स्टूडेंट्स देख लो यार, ये माइनस है, हाँ -6x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -6x। कब? जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है। अब खुद ही बताओ, फॉर अब यहां पे खुद ही बताओ ना, x की वैल्यू कोई भी नंबर रख दो,
एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो आप तो आंसर आएगा ना, एक्स की कोई भी रियल नंबर से 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंसर मिलेगा ना। ऐसे यहां पे देखो एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन रेशनल इरेशनल कुछ भी रख दो, फिर वो माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो एक आंसर आएगा ना। आंसर आ रहा है मतलब आंसर जो भी आएगा, देखो यार ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता है क्योंकि अंडर रूट तो है ही नहीं और जीरो भी नहीं बना सकते हो, एनी नंबर अपॉन जीरो भी नहीं बना सकते हो आप, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू आप इसमें रखोगे एफ डैश का आंसर, एफ डबल डैश का आंसर आएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यही तो प्रूफ करना था। तो यहां पे एक लाइन लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे, फॉर एनी वैल्यू, देखो यहां पे लिख देता हूं यार, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ डबल डैश एग्जिस्ट, है ना, फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन वन बना लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एफ डबल डैश ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का।